नमस्कार दोस्तों। तो आज कई दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से। कुछ दिक्कतें हो गई थी सिस्टम से भी, और कुछ स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, इसी वजह से जो है इधर कुछ क्लासें हमने नहीं ले पाए। अब कंटिन्यू क्लास चलेगी आप लोगों की। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ परसेंटेज से संबंधित प्रश्नों को, जो कि अक्सर पूछा जाता है। परसेंटेज जो मेंसुरेशन से संबंधित होता है, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा का पूरा क्लास आप देखिएगा, या पूरा क्लास देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे एक एक करके। आइए जरा पहले हम लोग परसेंटेज में कैसे फार्मूला बनाया जाता है उसके विषय में हम लोग पहले देखेंगे। तो प्रतिशतता, तो प्रति सत्तता के विषय में हम लोग परसेंटेज के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए देखिए कैसे फार्मूला बनता है, पहले फार्मूला बनाना सीखेंगे, उसके बाद देखिए किसी भी चीज़ का प्रतिशत मात्रा निकालना होता है। तो जब प्रतिशत मात्रा निकालना है, प्रतिशत मात्रा, तो हम लिखते हैं पहले जितना प्राप्त हुआ मात्रा है, ठीक है, या जिसका प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने वाले वस्तु की मात्रा बटा कुल मात्रा गुणे, यानी प्राप्त मात्रा बटा कुल मात्रा, यहाँ लिखा जाता है कुल मात्रा, ठीक है, और गुणे 100, यही होता है प्रतिशत मात्रा। यानी जिसका प्रतिशत मात्रा निकालना है उसकी मात्रा बटा कुल मात्रा गुणे 100। ठीक है, जैसे सपोज दैट यदि लिखा हो कि 20 50 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो इसका मतलब ये है कि 20 प्राप्त हुआ है और 50 में प्राप्त हुआ है, तो हम 20 बटा 50 गुणे 100, तो प्रतिशत मात्रा निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा ये 20, ठीक है, तो 20 दुना के 40, यानी कितना प्रतिशत हुआ, 40% हुआ। तो इसी तरह प्रतिशत मात्रा की गणना हम लोग करते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे सीधे कि जब कभी भी इस तरह की राशि होता है कि कोई एक राशि P है जो कि x और y पर इस प्रकार संबंध रखता है कि x इंटू वाई, x गुणे वाई, ठीक है, तो x में अगर हम ये कहें कि x प्रतिशत का वृद्धि और y में y प्रतिशत का वृद्धि होता है, तो p में होने वाला प्रतिशत वृद्धि के लिए, तो p में प्रतिशत वृद्धि के लिए अगर हमें फार्मूला बनाना है, तो जब भी दो राशि दिया गया हो तो हम लिखेंगे सीधे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100। ठीक है, हम सीधे केवल यही फार्मूला यूज करते हैं, तो इसमें आ जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100। जैसे मान लीजिए कि हमें पता है कि ये आयत है, ठीक है, ये आयत है, तो आयत की लंबाई ये है, चौड़ाई b है, और क्षेत्रफल a अगर देखा जाए तो a बराबर हो जाता है l इंटू बी, यही होगा ना, l इंटू बी। तो अब इसमें अगर हम कहें कि लंबाई में 10% का वृद्धि होता है, 10% का वृद्धि होता है, ठीक है, और चौड़ाई में 5% का वृद्धि होता है, तो 5% का वृद्धि चौड़ाई में होता है, तो पूछा जाए कि क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे एल प्लस बी प्लस एल इंटू बी अपान 100, क्योंकि दो है तो गुणा है, तो हम इसी में रख दें 10 प्लस 5 प्लस 10 गुणे 5 बटा 100। अब देखिए 10 और 5 कितना, 15 हो जाएगा, तो 15 ये हो गया, और 10 गुणे 5, तो 10 गुणे 5 कितना हो गया, 50 बटा 100, तो 50 बटा 100 का मान 1/2, और 1/2 का मतलब 0.5, तो 15.5%। क्लियर है, तो इस तरह हम ए में होने वाला टोटल प्रतिशत वृद्धि निकाल लेंगे कि यहाँ पर x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपन 100, तो 10 गुणे 5 बटा 100 इसी में रखकर निकाला जाता है।
तो 10 25 50 दूना 100, तो 1/2 1/2 को 0.5, 15 और 0.5 जोड़ देंगे 15.5। क्लियर। तो ये तो इस पर हम रख कर निकालते हैं, जब भी कभी भी अगर पूछा जाता है तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दो राशि दिया गया होगा तब। ठीक है, आइए हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास ये कहा जाता, प्रश्न होता कि लंबाई में 20% का वृद्धि कर दिया जाए। ठीक है, लंबाई में 20% का वृद्धि कर दिया जाए, वृद्धि। ठीक है, लंबाई में 20% का वृद्धि किया जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत का कमी किया जाए, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत का कमी किया जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित, ए बराबर एल इंटू बी, तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित है तो यहाँ 0 कर देंगे। लंबाई में 20 बढ़ रहा है तो 20 प्लस यहाँ बी प्लस 20 गुड़े बी बटा 100। तो अब देखिए ये 20 इधर जाएगा तो -20 हो जाएगा, और ये 20 है तो 20 × 5 = 100 हो जाएगा, 5 × 1 = 6b/5। तो 6b बराबर हो जाएगा -20 × 5, तो b बराबर हो जाएगा -100/6। अब देखिए 2 × 3 = 6 और ये 50, तो ये 16 यानी माइनस है, 16 × 3 = 48 2/3, 16 × 2/3 माइनस आ गया तो कमी। ठीक है, तो इस तरह हम निकालते हैं इसका इस्तेमाल करके। ठीक है, पर सवाल ये कि जैसे इसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं, हमें अगर कहीं पर भी यदि 3 राशियां मिल जाए, जैसे घनाभ हो जाए, तो जैसे घनाभ हो गया तो घन हो गया, घनाभ हो गया तो घनाभ है, तो घनाभ के लिए हो जाएगा लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई आयतन। लंबाई में कहा जाए कि 10% का वृद्धि, चौड़ाई में 20% का, ऊंचाई में 10 का, तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा। तो इसके लिए पहले हम इन दोनों में लगा लेते हैं और उसके बाद जो आएगा रिजल्ट उसको हम एच में लगाते हैं। ठीक है, कब, जब एल बी एच दिया होगा तब। लेकिन अगर ऐसे देता पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन है, त्रिज्या में दे देता, ऊंचाई में देता, तो आयतन में निकालने के लिए अब यहाँ 2 घात है, यहाँ पर क्या है 2 घात है। तो आइए हम एक ऐसा फार्मूला पढ़ेंगे जो हर किसी के लिए वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं, तो कैसे हम बनाएंगे फार्मूला उसके विषय में, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर जगह इस्तेमाल आप इसका कर सकते हैं। तो देखिए जैसे अगर कहा जाए कि कोई भी राशि हो पी, ठीक है, तो x^a, ठीक है, y^b और z^c, ये पावर जहाँ a b c जो है अलग अलग एक स्वतंत्र पद हैं, या तो हम ये कह दें कि x, अब जो भी पावर है a b c, जो a b और c है, ये एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, धनात्मक ऋणात्मक भिन्नात्मक पूर्णांक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर x में कहा जाए कि x1 + x% का वृद्धि होता है, y में y% का, z में z% का, ठीक है, तो अब यहाँ पे सीधे जो p में प्रतिशत फार्मूला बनाया जाता है, वो p का प्रतिशत फार्मूला बनाने का तरीका सीखिए, हम बताते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो 1 + अब यहाँ x है तो x/100, ठीक है, और यहाँ पर पावर कितना है, a है ना, तो यहाँ पर भी पावर a करेंगे, और इंटू, ठीक है, y है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + y/100, और इस पर पावर कितना है b, तो यहाँ पावर b करेंगे, और यहाँ z है तो 1 + z/100, और इस पर पावर कितना है c, और -1 करके और गुणे 100। यही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे हर जगह, इसी फार्मूले का इस्तेमाल प्रत्येक जगह कर किया जाएगा। जैसे सपोज दैट, मान लेते हैं कि वृत्त है या बेलन है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब एक बात यहाँ हम याद रखेंगे, जितने कांस्टेंट, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि एक्स में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इस एक्स में कोई परिवर्तन नहीं, तो ये तो 0 हो गया ना, तो ये 0 हो गया, तो ये पूरा 0, 1 + 0 = 1, और 1 पर चाहे जितना भी घात करेंगे
वो तो बने रहेगा, इसका मतलब ये केवल हट जाएगा परंतु बाकी सभी उसी तरह रहेगा, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उसी तरह जितने भी कांस्टेंट होंगे, जितने ऐसे टर्म होंगे जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, नो चेंजिंग हो, तो उसको उस फार्मूले से ही हम लोग हटा देंगे। फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। तो जैसे यहाँ पर पाई है तो पाई को हम हटा देंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे कि वी के लिए अगर हमें फार्मूला बनाना है तो पाई हट गया, तो वी में प्रतिशत के लिए फार्मूला बनेगा तो पाई तो कांस्टेंट है, हटा देंगे। ये 1 + r/100 to the power, यहाँ पावर कितना है 2, यहाँ 2 करेंगे, फिर इंटू 1 + h/100, यहाँ पर पावर क्या है 1 है, तो 1 और -1 लास्ट में और गुड़े 100, क्लियर है। अब इसी में r और h का मान रख देंगे, अगर वृद्धि होगा तो साइन प्लस रखा जाएगा और कमी होगा तो माइनस में रखेंगे, और रिजल्ट इस पूरे का रिजल्ट अगर माइनस आ गया, माइनस आता है तो इसका मतलब कमी होगा, और पूरे का रिजल्ट अगर प्लस आ गया तो क्या हो गया, वृद्धि हो जाएगा, याद रखिएगा। जैसे सपोज दैट अभी हमने लगाया कि लंबाई और चौड़ाई, जैसे मान लेते हैं किसी आयत है, कोई आयत ही है, और आयत ठीक है, तो आयत की लंबाई व चौड़ाई, सपोज दैट व चौड़ाई में क्रमशः कहा जाए क्रमशः 10% व 20% का वृद्धि होता है, तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो अब हमें पता है कि a बराबर l इंटू बी, तो l पर एक घात, b पर एक घात, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए हम ऐसे बनाए 1 + l/100 to the power 1, 1 + b/100 to the power 1 - 1 गुड़े 100। तो अब इसमें अगर हम रखें तो 1 + हम l, l के जगह पर 10 रखेंगे तो 10/100, फिर 1 + 20/100 और -1 गुड़े 100। तो ये देखिए 10 × 11, तो यहाँ पर हो गया 11/10 गुड़े, यहाँ पे हो गया 20 × 5 = 100, 5 × 6 = 6/5 और -1 गुड़े 100। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 10 है, 2 × 2 = 6, 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25, 11 × 3 = 33, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कि 11 × 3 = 33 और ये -1 है, तो -25/25 और गुड़े 100, तो 25 × 4 = 100, ठीक है। अब ये 33 में से 25 जाएगा तो 8 आएगा ना, तो 8 × 4, तो 8 × 4 = 32%, ठीक है, प्लस आया तो वृद्धि लिखेंगे, ठीक है, आई बात समझ में। इससे पहले हमने बताया कि उसमें अगर आप रखते तो x + y, तो उसमें हम रख देते 10 + 20 + 10 × 20/100, तो देखिए यहाँ से जल्दी से ना आ जाएगा 10, 20, 30, 32, 32, तो यहाँ इसके लिए तो जल्दी से आ जाएगा, पर बहुत सारे जगह ऐसे मिलेंगे जहाँ पर ये लगाएंगे तो हमको बहुत लंबा हो जाएगा, परंतु इसके माध्यम से हम बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यही फार्मूले का इस्तेमाल हम हर जगह करेंगे, जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि अभी हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, पर यहाँ पर हम देखें कि अगर सपोज दैट मान लिया जाए कि कह दिया जाए कि कोई जो है, सपोज दैट यदि घन है तो घन में वहां पर 3 बार इस्तेमाल करना था, यहाँ हम एक ही बार इस्तेमाल कर लेंगे ना, घन होता है तो पहले 2 का करते फिर रिजल्ट आता फिर तीसरे में रखते, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि लंबाई में कह दिया जाए कि लंबाई में 10% का वृद्धि, चौड़ाई में 20% का वृद्धि और ऊंचाई में 10% का कमी होता है, तो आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि या कमी होगा, तो बी बराबर एल इंटू बी इंटू एच तीनों, तो तीनों के लिए हम एक ही बार फार्मूला बना लें, क्यों हम 4 बार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसमें क्या हो जाएगा 1 + l/100 × 1 + b/100 × 1 + h/100 - 1 × 100। अब देखिए एक एक घात, यहाँ एक घात था, यहाँ एक घात था, यहाँ एक घात था, तो सब पर एक एक घात कर देंगे। अब मान रख देते हैं तो 1 + इसमें 10 है तो 10/100, 1 + 20/100 और 1 यहाँ कमी हो रहा है, माइनस है, तो कमी के लिए -10/100, ठीक है, -1 × 100। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हो जाएगा 10 × 11, 11/10 × 20 × 5 = 100, 5 × 1 = 6, 6/5 × ये 10 में से एक जाएगा 9/10 - 1 × 100, ठीक है।
अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से दो से कट जाएगा, दो तीन छः, दो पाँचे दस, पाँच पचे पच्चीस, 250, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर गुणा कर दे, 11 तीन 33, 33 में 9 का गुणा कर दे, 9 तिली 27, 9 तिली 27 29, 297। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 में 10 का गुणा कर देंगे 250, ठीक है। एक ही ये है ना, माइनस एक, तो 250 का जब एक में गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस 250, और बाहर है गुणे 100, तो 0 0 कैंसिल, 5 5 25, 5 2 9 10। अब इसमें जरा सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है, और 9 में से 5 जाएगा तो 4, 47 गुणे 2/, यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। तो 2 7 14 2 4 94/5, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5 6 5 4 44, 5 8 40, फिर 40, 5 8 40, 18.8% प्लस आ गया ना, तो हम वृद्धि लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वृद्धि लिखेंगे। आई बात समझ में, तो हम इसी का इस्तेमाल करके कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे चीज़ समझ में आ गए होंगे। अभी नहीं आया, समझ में आया सभी लोगों को, क्यों? आइए हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे, इसी पर आधारित न्यूमेरिकलों को जब सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आइए कुछ न्यूमेरिकलों को देखा जाए। आइए कुछ न्यूमेरिकलों को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए, एक आयत की लंबाई में 20% तथा चौड़ाई में 25% वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा। तो पहला तो ये कि हम उसी पर रख लें, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100, तो इसी पर रख दे 20 प्लस 25 प्लस 20 गुणे 25/100। तो ये 20 5 100 और 5 5 25, और ये हो गया 20 और 25, 45 और 5 कितना, 50, ठीक है। तो कै प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, 50% का वृद्धि हो जाएगा, क्लियर है। तो इसी तरह अब जरा देखिए कि हम इसी को अगर हम फार्मूले पर इस्तेमाल करें तो a में a बराबर l इंटू बी, एल पर एक घात, b पर एक घात, तो a में प्रतिशत फार्मूला जो बनेगा, 1 ऐसे बड़े ब्रेकअप, 1 प्लस l अपान 100 इंटू 1 प्लस b अपान 100 और माइनस 1 गुड़े 100। तो इसी में हम रख दें 1 प्लस इतना 20/100 और इंटू 1 प्लस 25/100 और माइनस 1 गुड़े 100। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ये हो जाएगा, ये दिखाई दे रहा है कि 20 5 100, 5 1 6 6/5 गुड़े ये 25 4 100, 4 1 4 तो 5/4, ठीक है, और माइनस 1 और गुड़े 100। अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 2 3 6, 2 2 9 4, 3/2, क्लियर। अब ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1 और गुड़े 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ऐसे 3 - 2/2 और गुड़े 100, तो 2 से कट जाएगा ये 50 और ये 1, तो 1 * 50 = 50, तो ये 50% आ गया। तो इस तरह चाहे हम ये रास्ता अपनाएं या ये रास्ता अपनाएं, यहाँ पर ये तो आसान है, नो डाउट, ठीक है, ये यहाँ पर आसान है, पर आगे कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जहाँ कि आसान हम देखेंगे कि आसान जो होगा वह जो है यही आसान होगा, ठीक है। चलिए अब देखा जाए, अगला प्रश्न हम देखेंगे। तो अगला प्रश्न देखा जाए, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न होने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है कि a बराबर l इंटू बी, तो पूछ रहा है किसमें, चौड़ाई में कितने, चौड़ाई पूछ रहा है, तो चौड़ाई को हमको बाएं तरफ रखना है, b बराबर हो जाएगा a अपान l, इसको करेंगे a इंटू एल पर माइनस 1, ठीक है। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन न होने के लिए, तो क्षेत्रफल में
क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो, तो ए कांस्टेंट है, परिवर्तन जो इसमें नहीं होता है उसे कांस्टेंट कहा जाता है। तो अब यहाँ पर इसको हटा देंगे तो बी के लिए प्रतिशत जो फार्मूला बनेगा, जितने कांस्टेंट होते हैं सबको हटा दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो 1 + L/100 - 1 - 1 × 100। फार्मूला बनाने का तरीका सीखते जाइए। अब यहाँ पर एल में कितना की वृद्धि हो रहा है, 25 का, तो यहाँ लिख दें 1 + 25/100 यहाँ -1 है और यहाँ -1 रहता है गुड़े 100 फार्मूले के। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 25 × 100 = 4 × 5/4। अब यहाँ 5/4 है, ये -1 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 5/4 पर -1 और यहाँ -1 × 100, तो ये -1 पावर है। जब ये माइनस प्लस होता है तो पलट जाता है, 4/5 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हो जाएगा 4/5 - 1 × 100। तो अब इसको सॉल्व कर लें तो 4 - 5/5 × 100, तो ये 20 × 5 = 100। 5 में से 4 जाएगा -1 × 20, इसका मतलब -20। माइनस का मतलब है कमी, अर्थात 20% का कमी, ठीक है। 20% का क्या कमी होगा, तो सॉल्व कर लीजिए इसे। हो गया, चलिए अगला नंबर देखा जाए। एक घन की प्रत्येक भुजाओं में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसके आयतन में वृद्धि होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक घन दिया गया है, कि एक घन है और उसमें घन की प्रत्येक भुजाओं में 10% की वृद्धि हो जा रहा है, तो घन का जो आयतन होता है वो ए क्यू होता है, ठीक है। अगर हम ये फार्मूला लगाएंगे x (y)/z, तो x + y (x + y) + x (y)/100, तो हमको 3 बार लगाना पड़ेगा, इसी को लिखना पड़ेगा a × a × a। तो पहले 2 में लगा लें, फिर जो आएगा उसको 3रे में लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक ही फार्मूला बनेंगे v में प्रतिशत, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + a/100, 3 घात है ना, तो यहाँ पर 3 पावर करिए, -1 × 100 कर दीजिए, ठीक है। आपको समझ में आएगा आपको, तो ये 1 + कितने प्रतिशत की वृद्धि, 10, तो 10/100 और पावर 3 -1 × 100। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि 1 × 10 = 11, 11/10, 3 घात है ना, 3 बार गुणा कर दें, 11/10 × 11/10 -1 × 100। अब देखिए 11 × 11 × 11 कर दें, 1331 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1331 और नीचे हो जाएगा -1 × 100। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1331 - 1000/1000 × 100, तो 2020 कैंसिल, यहाँ कट जाएगा 331 / 10, ये जाएगा 33.1%, प्लस आ गया तो वृद्धि हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। किसी घनाभ की लंबाई में 10% वृद्धि और चौड़ाई में 20% कमी तथा ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि या कमी होगा। चलिए, तो V = L (b)/h, तो V में प्रतिशत फार्मूला पहले बनाएंगे, 1 + L/100 1 + B/100 1 + H/100 - 1 × 100, ठीक है। हमने फार्मूला बना लिया,
अब इसमें मान रख देते हैं। चलिए वन प्लस लंबाई में वृद्धि हो रहा है तो 10/100 और वन प्लस चौड़ाई में 20% की कमी तो माइनस कर देंगे यहाँ 20/100 और ऊंचाई में 10% का वृद्धि 1+10/100 -1 × 100। अब देखिए 10 तो यहाँ पर जाएगा 11/10 गुड़े ये 20 × 5 = 100 5 से जाएगा 4/5 गुड़े 10 × 11/10 -1 × यहाँ पर 100। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ऊपर गुणा कर दें अगर या 2 से काट दें तो 2 × 4 2 × 5 = 10 2 × 5 = 10 तो ऊपर गुणा कर दें 121 नीचे हो जाएगा 125। तो इसको सॉल्व कर दें अगर तो 121 -125/125 और गुणे यहाँ पर 100 तो 25 × 100 और 25 × 5 = 125। अब 121 में से 125 जाएगा तो -4 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं -4 × 4 -4 × 4/5 यानी 16/5 ठीक है तो 16/5 प्रतिशत माइनस आ गया ना तो कमी तो ये कितना हो जाएगा तो 5 × 3 = 15 1 × 5 = 10 3.2% का कमी होगा। तो लिख लीजिए हो गया हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। यहाँ पर देखा जाए यदि किसी घनाभ की लंबाई में 25% की वृद्धि चौड़ाई में 20% की कमी की जाए तो ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि किया जाए ताकि उसके आयतन में कोई परिवर्तन न हो। तो चलिए पहले फार्मूला क्रिएट करेंगे V = L × B × H। पूछ रहा है किसमें उसकी ऊंचाई में तो H = V/L×B या V × L पर -1 और B पर -1 तो B तो कांस्टेंट है हटा दें तो H में प्रतिशत फार्मूला बनेगा जो कांस्टेंट होता है हटाते हैं आयतन में कोई परिवर्तन नहीं तो आयतन को हटा देंगे। अब यहाँ पे फार्मूला बनेगा क्या है कि 1+L/100 −1 और 1+B/100 −1 और -1 × 100 ठीक है। अब इसी में हमको रखना है तो चलिए रख देते हैं 1+ लंबाई में 25% की वृद्धि तो 25/100 और इस पर −1 और फिर 1 और 20% की कमी तो 1 − 20/100 तो इस पर −1 − 1 × 100। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये 25 × 100 4 × 5/4 है तो माइनस है ये पावर माइनस है जब पावर प्लस होगा तो 4/5 पलट जाएगा ये 20 × 5 = 100 5 में से 1 जाएगा 5 यहाँ 5 में से 1 जाएगा 4 × 5 है जब पलट जाएगा तो ये हो जाएगा पलट जाएगा तो 5 ऊपर चला जाएगा 5 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा और −1 × 100 क्लियर। अब हम देखेंगे कि ऊपर 5 से 5 कट गया 4 से 4 कट गया तो ये तो आ गया 1 − 1 × 100 इसका मतलब है कि ये 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि कोई परिवर्तन नहीं कोई परिवर्तन नहीं। अगर आ जाता है 1% 2% तो हम लगा लेते नहीं आया तो कोई परिवर्तन नहीं। क्लियर है तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। चलिए आइए आगे देखा जाए।
किसी घनाभ की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसके आयतन व ऊंचाई में कोई परिवर्तन न हो। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। कह रहा है कोई घनाभ है और घनाभ के लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो अलग अलग है, तो बी बराबर होता है एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, और हम देखेंगे कि किसी भी घनाभ की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसके आयतन व ऊंचाई में कोई परिवर्तन न हो। तो यहाँ पर चौड़ाई में पूछ रहा है, तो b बराबर हो जाएगा v अपान l इंटू एच। ठीक है, तो v l पर -1 और h पर -1। अब जो जो कांस्टेंट है उसको हटा दिया, तो क्या 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 कांस्टेंट है, तो आयतन और ऊंचाई। तो आयतन हटा दिए, ऊंचाई हटा दी, तो l ही तो बचा। तो b में प्रतिशत फार्मूला बनेगा क्या है, जो बचा है केवल वही लिखना है, 1 + l/100 - 1 - 1 × 100। फार्मूला बनाने का तरीका सीखिए, वो इसीलिए हम बता रहे हैं यहाँ पर कि आपको समझ में आ जाए। 1 + l 20% की वृद्धि, यहाँ लिख दें 20/100 और -1 - 1 × 100। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 20 × 5 = 100, तो 5 और 1 = 6/5, तो माइनस है प्लस होगा, तो 5/6 - 1 × 100, ये 5/6, तो 6 में से 5 जाएगा। इसका मतलब ये ऐसे हो जाएगा कि 5 - 6/6 × 100, तो ये कितना हो जाएगा, -1/6, यानी -100/6 - 100/6, 2 × 3 = 6, ये 50, तो ये हो जाएगा -16/2/3%। तो माइनस आ गया ना, तो माइनस आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, कमी। तो लिख देंगे 16/2/3% की कमी, तो 16.67% की कमी। क्लियर है, लिख लीजिए जल्दी से। चलिए अगला नंबर देखा जाए। किसी घनाभ के आधार के क्षेत्रफल में 25%, ठीक है, आधार के क्षेत्रफल में 25% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन न होने के लिए ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। अब चलिए, v बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू एच। ठीक है, और क्षेत्रफल में कह रहा है कि वृद्धि किया जाए, तो आयतन में कोई परिवर्तन न होने के लिए ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो हमें h निकालना है ना, तो h बराबर v अपान a, तो v इंटू ए पर -1। ठीक है, तो अब यहाँ पर v तो कांस्टेंट है, हटा देंगे, तो h के लिए प्रतिशत फार्मूला जो बनेगा वो बन जाएगा 1 + a/100 - 1 - 1 × 100। अब यहाँ पर क्या होगा कि 1 + a, तो a का मान यहाँ कितना वृद्धि दिया है, 25, तो 25/100 - 1 - 1 × 100। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 25 × 100 = 4 × 5 = 5/4, तो पलट जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा, -1 × 100। ठीक है, तो अब 4 - 5/5 × 100, तो 20 × 5 = 100, माइनस तो -20, तो माइनस आ गया, तो कमी, यानी 20% का कमी। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए, 20% कमी। फार्मूला बनाना सीखिए कैसे गायब हो रहा है कोई चीज। पहले तो हम ये ध्यान रखते हैं कि जिसके विषय में पूछा जाता है उसको लेफ्ट साइड लाते हैं, बाकी सबको राइट साइड। अच्छा, जब राइट साइड चला जाता है तो जितने जितने अपरिवर्तित चीजें होती हैं, यानी जो कहा जाता है कि इसमें स्थिर रहेगा, यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं तो आयतन स्थिर था, इस तरह के जितने भी मिलेंगे सबको हम कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, सबको हटा देते हैं फार्मूले से, फिर जो बचेगा उसके लिए हम ये फार्मूला प्राप्त करेंगे। क्लियर, चलिए अगला नंबर देखा जाए। तो आइए देखा जाए, किसी बेलन की आधार की त्रिज्या में
25% वृद्धि तथा ऊंचाई में 20% की कमी हो तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाएगी। चलिए बेलन है, तो बेलन का जो आयतन का फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई तो कांस्टेंट है, पहले ही हटा देंगे, ठीक है। तो आयतन में पूछा जा रहा है तो पहले फार्मूला बनाए, तो 1 + r/100, यहाँ पावर 2 घात है तो यहाँ 2 घात, और इंटू 1 + h/100 - 1 और गुड़े 100, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, 1 + r, r का मान त्रिज्या में 25% का वृद्धि, तो 25/100 का स्क्वायर और 1, और 20% की कमी किस में, ऊंचाई में, तो 1 - 20/100 - 1 × 100, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि 1 25 = 100, 4 × 5, 5 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 4 का स्क्वायर कितना 16, ये 20 × 5 = 100, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 में से एक जाएगा 4, तो यहाँ पर जाएगा 4/5, ठीक है, और -1 × 100, तो चलिए 4 × 16 और 5 × 5 = 25, तो ये आ गया कितना 5/4 - 1 × 100, और इसको सॉल्व कर दें तो 5 - 4/4 × 100, क्यों, तो अब ये 1 ये 25, इसका मतलब ये है ये 25 आ गया, तो 25 प्लस आ गया ना, तो वृद्धि, तो 25% का क्या वृद्धि, तो सॉल्व कर लीजिए। हो गया, चलिए अब अगला देखा जाए। किसी बेलन के आधार की त्रिज्या में 25% की वृद्धि किया जाए तो ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए ताकि आयतन में कोई परिवर्तन न हो। तो देखिए v = πr²h, ठीक है, h के लिए पूछ रहा है, तो h = v/πr²। अब देखिए इसको लिखेंगे v × π/-1 और r/-2, तो भी कटेगा पाई भी हटेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं, तो आयतन कांस्टेंट है, पाई तो कांस्टेंट है ही, तो h में प्रतिशत फार्मूला जो बनेगा वो तो केवल r ही बचा, तो 1 + r/100 और पावर क्या है -2, तो यहाँ -2 लिखेंगे और -1 × 100, आप समझते जाइए कैसे बन रहा है, 1 + कितने की वृद्धि 25 का, तो यहाँ +25/100 - -2 - 1 × 100। अब देखिए 25 × 100, तो 4 × 5/4, तो 5/4 पर ये माइनस है, ठीक है, तो प्लस होगा तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4/5 का जब स्क्वायर होगा, ठीक है, तो देखिए माइनस है तो 5/4 है, जब ये प्लस करेंगे तो 4/5 का स्क्वायर, तो 4/5 का स्क्वायर यानी 4 × 4, तो ऊपर 16, 5 का स्क्वायर नीचे 25, -1 × 100। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 16 - 25/25 × 100, 25 × 100 और 16 में से 25 जाएगा, 25 तो 9 हो गया ना, -9, ठीक है, × 4, तो -36, इसका मतलब है 36% की कमी, तो सॉल्व कर लीजिए। हो गया, चलिए 10 नंबर देखिए। आइए देखा जाए, किसी बेलन के आधार की परिधि में, ठीक है, 20% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 10% की कमी किया जाए तो आयतन में
क्या होगा, वृद्धि होगा कि कमी होगा। चलिए देखा जाए, आधार की परिधि में 20% का वृद्धि, तो परिधि होता है क्या, 2πr। ध्यान समझिएगा, ये 2π तो कांस्टेंट है ना, हटा दें तो पी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पी बराबर 2πr है, ठीक है। तो पाई और टू तो कांस्टेंट हट गया, पी प्रोपोर्शनल आर। जब पी प्रोपोर्शनल आर है तो इसका मतलब ये है कि आर में जितना होगा उतना ही पी में, और जितना पी में होगा उतना ही आर में। कभी भी याद रखिएगा कि जब एक्स प्रोपोर्शनल वाई है तो वाई में अगर 10% का वृद्धि होगा तो एक्स में भी 10 का होगा, वाई में अगर कमी होगा तो एक्स में भी कमी होगा। जैसे अगर कहा जाए कि व्यास, यानी व्यास जो है 2r के बराबर होता है, तो 2 हटा दें तो डी प्रोपोर्शनल आर हो गया ना। इसका मतलब ये कहा जाए कि त्रिज्या में अगर 10% का वृद्धि होगा तो उसके व्यास में भी 10% का वृद्धि होगा। अगर त्रिज्या में 10 की कमी होगा प्रतिशत का, तो व्यास में भी 10% की कमी होगा। क्लियर है? तो इस तरह यहाँ पर हमने देखा कि दिया था क्या कि परिधि में 20% की कमी, तो सीधे आर में वही लिख देंगे। क्लियर है? और ऊंचाई में कितने की, 10% की कमी, तो यहाँ पर हमें पता है कि भी बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो भी में प्रतिशत फार्मूला, पाई तो हट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा 1 r/100 to the power 2 × 1 h/100 - 1 × 100। यही तो बनेगा। तो अब यहाँ पर हम जो है बना लेते हैं फार्मूला, तो फार्मूला बन गया, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिया जाए, 1 r, r का मतलब 20% की वृद्धि, तो 20/100 परिधि में, तो 20 वही है का स्क्वायर, इंटू 1 + कमी है तो माइनस 10/100 और -1 × 100। चलिए अब यहाँ पर मान लेते हैं 20 × 5 = 100, तो 5 × 6 = 6/5, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 गुड़े ये 10, 10 में से एक जाएगा 9, तो 9 / 10, ठीक है, और -1 × 100। क्लियर? अब चलिए 25 × 4 कट जाएगा, और ये 250 तो यहाँ आ ही जाएगा, तो हम इसको लिख रहे हैं ऐसे और उसके बाद काटेंगे, ठीक है। तो 9 × 6 = 54 और 9 × 3 = 27, 5 = 32, 324, ठीक है, और -250 और पूरे का बटा 10 और गुड़े यहाँ पर 4, 25 × 100। तो चलिए 324 में से 250 गया तो 74 बचा, ठीक है। तो 74 × 4/10, तो ये 4 × 16 और 4 × 7 = 28, 28 × 1 = 29, 296/10 तो 29.6+ आ गया तो वृद्धि, तो 29.6% का वृद्धि लगा लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए, कहा जा रहा है किसी बेलन के ऊंचाई में 19% की कमी हो जाए तो आयतन वही रखने के लिए त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना होगा, ठीक है। यानी कहा ये जा रहा है, ध्यान से हम लोग समझेंगे, कि कोई बेलन की ऊंचाई 19% कम, h में 19% की कमी, ठीक है, तो आयतन वही रखने के लिए त्रिज्या में कितने प्रतिशत का वृद्धि करना होगा। तो हमें तो पता है कि v बराबर जो होता है, ठीक है, वो तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पर पाई कांस्टेंट है, आर पूछा जा रहा है, तो पहले आर स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे v/h, या तो v × h/-1, v कांस्टेंट है हटा देंगे, तो r बराबर हो जाएगा, ये 2 है ना, तो जब उधर जाएगा तो h/-1/2, ठीक है, -1/2 आ गया। तो r के लिए प्रतिशत फार्मूला जो बनेगा वो तो 1 + h/100 और इस पूरे पर पावर -1/2 और -1 × 100, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे,
कि यहाँ मान रख दें तो h का मान दिया 19% की कमी, तो यहाँ पर होगा कि 1 - 19/100 टू दी पावर -1/2 और -1 × 100, समझते जाइए। अब यहाँ पर क्या है कि 100 में से 19 जाएगा तो 81 81/100 पर -1/2 -1 × 100। अब इसको हम कर दें 100/81 पर 1/2 -1 × 100। अब 100 का वर्गमूल 1/2 का मतलब वर्गमूल 10, 81 का वर्गमूल 9, तो 10/9 -1 × 100। अब ये हो जाएगा 10 में से 9 जाएगा 10 - 9/9 × 100, तो ये 1/9 यानी 100/9 आ गया, तो ये आ जाएगा 11.1%। ठीक है, तो 11.1% प्लस आ गया, प्लस आया तो वृद्धि, माइनस आता तो कमी। ठीक है, हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए, कर लिए ना। किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 25% की कमी हो तो उसके वक्र पृष्ठ में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखा जाए। यहाँ पर किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो रहा है, आर में 20% का वृद्धि, उसकी ऊंचाई में 25% का कमी, ऊंचाई में 25% का कमी, उसके वक्र पृष्ठ में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2πRh, तो 2π तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ के लिए फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा कि 1 R/100 × 1 H/100 - 1, यही तो बनेगा। अब मान रख देते हैं, तो क्योंकि R पर भी एक घात है, H पर भी एक घात है, तो 1 R का मान 20 है, तो 20 वृद्धि है तो +100, और 1 और 25 की कमी तो -25/100 और -1 × 100। अब यहाँ पर 20 × 5 = 100, 5 + 1 = 6, यहाँ पर तो 6/5 होगा ना, गुणे यहाँ पर 25 × 4 - 1 = 3, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, यहाँ 20 × 5 = -1 × 100। अब देखिए यहाँ पर 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, तो 9/10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 - 10/10 और × 100, तो ये 0 0 कट गया, -1 तो -10 यानी -10 आ गया, तो 10% का कमी, तो 10% का कमी हो गया। हो गया, तो इस तरह आप सभी आज कुछ न्यूमेरिकल प्रतिशत से संबंधित आपने पढ़ा। ठीक है, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, कैसे हम प्रतिशत के न्यूमेरिकलों को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसे जितना भी आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों यारों को खूब शेयर करिए, जितना चाहते हैं उतना, और सब्सक्राइब करवाइए अधिक से अधिक लोगों से। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों के मोबाइलों से सब्सक्राइब करवाइए और बताइए, यूपी बोर्ड की क्लास कंटिन्यू चल रहा है, अब केमिस्ट्री की भी क्लास उसमें चलेगी, तो पूरा का पूरा कोर्स ही अब स्टार्ट होगा उसमें। ठीक है, जिसको भी करना है वो स्टार्ट कर दे, ज्वाइनिंग ले ले, नहीं तो बाद में जब वो करेंगे तो काफ़ी उनका छूट गया होगा, पीछे जो भी लड़के पढ़ रहे हैं इस समय तो वो आगे निकल जाएंगे, वो पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसको भी अगर क्लास करनी है वो ज्वाइनिंग ले ले तुरंत। दूसरी बात है, कल जब मुलाकात होगी हमसे तो हम आगे इसमें कुछ और भी न्यूमेरिकल प्रतिशत से संबंधित सॉल्व करेंगे, और उसके बाद
कुछ लोगों का कहना था वर्क एंड टाइम शुरू करने के लिए, स्पीड टाइम डिस्टेंस और वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। तो कार्य और समय पर भी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी तो इसके आगे चर्चा करेंगे, ठीक, इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।